Hello, good afternoon my dear students. Welcome to you in class 9. Today we will read Unit 1 Environment. Reading she Salu Murada Thimakka. Look at the picture. She is a lady, old lady, and her name is given as the Salu Murada Thimakka. चलिए आज हम इनकी स्टोरी पढ़ते हैं. सालू मुरादा थिमक्का वॉज एन एनवायरमेंटलिस्ट. सालू मुरादा थिमक्का जो थी वह एक पर्यावरण विशेषज्ञ थी. इज वन ऑफ द वेल नोन पर्सनालिटी ऑफ कर्नाटका. और यह कर्नाटका में अपने अच्छे कार्यों के लिए जानी जाती थी. सी वॉज अन रिकॉग्नाइजेशंस ड्यू टू हर अनटायरिंग एफर्ट्स इन प्लांटिंग एंड टेंडिंग टू 284 बनियान ट्रीज. तो इन्होंने एक अपनी रिकॉग्नाइजेशन बनाई. रिकॉग्नाइजेशन मीन्स क्या होता है, एक अपनी पहचान बनाई. कैसे, अथक प्रयत्न, अनटायरिंग एफर्ट्स, अपने अथक प्रयत्न के द्वारा, अपने कोशिश के द्वारा. एफर्ट्स मीन्स होता है अपने स्वयं के प्रयत्न द्वारा. तो कोशिश, अपनी स्वयं की कोशिश और प्रयत्न के द्वारा इन्होंने जो प्लांटेशन किया 284 बनियान ट्रीज, 284 बनियान ट्रीज जो इन्होंने लगाए, उनके कारण इन्होंने एक अलग कर्नाटका में पहचान बनाई थी. अलोंग द हाई कवरिंग अ डिस्टेंस फॉर 4 किलोमीटर, जो इन्होंने अपने गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर यह पेड़ प्लांटेशन किया था. हर परसिस्टेंस वर्क्स हैज कैरिड सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स. और अपने इस कार्य के लिए जो उन्होंने सराहनीय कार्य किया, इसके लिए उनको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया. सी वॉज बॉर्न ऑनर्ड विथ हर प्रेस्टिजियस नेशनल सिटीजन अवार्ड ऑफ इंडिया फॉर हर विलेजर्स फॉर हर सेल्फलेस वर्क्स. और अपने इस कार्य के लिए उन्होंने जो सरकार गवर्नमेंट द्वारा इनको जो सम्मान प्राप्त किया गया, ये इनका सेल्फ का, इन्होंने जो सेल्फ, जो अपना जो एक अपनी इमेज बनाई थी, इस कार्य के लिए इनको सम्मानित किया गया था. इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण के क्षेत्र में जो इन्होंने अपना अथक प्रयत्न किया उसके लिए. सी ऑल्सो हैज अ US एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड थिमक्का रिसोर्सेज फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन नेम्ड आफ्टर हर. और USA में भी इन्होंने एक अपनी रिकॉग्नाइजेशन बनाई, पहचान बनाई, और इनकी इन्वायरमेंटल एजुकेशन और जो इन्होंने पर्यावरण के फील्ड में जो कार्य करके दिखाया है, इसके लिए यह दुनिया भर में विख्यात हुई. नाउ लुक द ब्रीफ इंट्रोडक्शंस ऑफ द सालू मुरादा थिमक्का. सालू मुरादा थिमक्का वॉज बॉर्न इन द विलेज नेम्ड पुलिकल दैट फॉल्स अंडर मालगुड़ी. तो सालू मुरादा थिमक्का, इनका जन्म एक पुलिकल नामक गांव में हुआ था. एंड पुलिका दैट वॉज सिचुएटेड इन द बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट, रूरल डिस्ट्रिक्ट, बेंगलोर के ग्रामीण जिले में इनका जन्म हुआ था. सी वॉज नोन एज थिमक्का देन, और इसके बाद वहीं से यह थिमक्का के नाम से जानी गई. सी डिड नॉट गो टू स्कूल और गेट एनी फॉर्मल एजुकेशन. और वह, सी वॉज नॉट एजुकेटेड, इन्होंने कोई शिक्षा नहीं प्राप्त की थी. यह सी वॉज इलिटरेट, परंतु देखिए इलिटरेट होते हुए भी इन्होंने
पर्यावरण को इतनी अच्छे से समझा और पर्यावरण के फील्ड में एक ऐसा नया वर्क करके दिखाया कि जो दुनिया भर में इनके लिए जो दुनिया भर में इनकी सराहना की गई। फ्रॉम एन अर्ली एज सी वर्कड एज अ लेबर इन अ कैरी नियर हर होम। अपने घर के ही पास में वह एक मजदूर के रूप में कार्य करती थी। सी वॉज मैरिड ऑफ अ छिक्काई। इनका विवाह छिक्काई के साथ हुआ था। छिक्काई वॉज द नेम ऑफ हर हजबेंड और कैटल हर्डर एंड ही वॉज अ कैटल हर्डर। कैटल हर्डर मीन्स होता है जो पशुओं को चराते हैं ना, चरवाही, तो दैट इज़ कॉल्ड द कैटल हर्डर। द कपल वॉन्टेड चिल्ड्रन बट वर अनेबल टू गेट एनी इवन आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ देयर मैरिड लाइफ। ये अपनी संतान चाहते थे परंतु शादी के 25 साल बाद भी इनकी अपनी कोई संतान नहीं हुई। वन डे द हस्बैंड एंड वाइफ डियो डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज टू ओवरकम द सैडनेस एंड एम्प्टी फीलिंग ऑफ देयर लाइफ्स। दोनों हस्बैंड वाइफ ने एक दिन डिसाइड किया कि हम क्यों ना अपना मन किसी और कार्य में लगाए, जैसे कि प्लांट ट्रीज, प्लांटेशन करने के लिए, ताकि इनका मन उसमें लगा रहे। दैट वॉज अराउंड 50 ईयर्स एगो फ्रॉम देयर स्टार्टेड अ जर्नी ऑफ अनटायरिंग लव एंड सेल्फलेस सर्विस ऑफ एन ऑर्डनरी कपल टूवर्ड्स एन ऑर्डनरी मिशन। और इन्होंने इस तरह से अपना एक अभियान चलाया। दैट वॉज अराउंड 50 ईयर्स एगो। यह घटना जो है यह 50 ईयर्स 50 वर्ष पहले की कहानी हम पढ़ रहे हैं। देखिए, बोथ दे हैव नो द चिल्ड्रन बट उन्होंने प्लांट्स को ही अपने चिल्ड्रंस माना और प्लांट में के ही प्लांट की सर्विस से सेवा में ही उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। तो ये एक ऑर्डनरी कपल थे, एक सामान्य, बहुत ज़्यादा रिच नहीं थे, सिर्फ एक सामान्य कपल थे। टूवर्ड्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मिशन। और इन्होंने एक सामान्य सा अपना एक मिशन, मिशन मीन्स होता है अभियान, एक मिशन चलाया टू रेज एज मैनी ट्रीज एज पॉसिबल विथ लव एंड केयर एज देयर ओन चिल्ड्रन। और उन्होंने यह डिसाइड किया था कि हम अपनी संतान की तरह ही हम प्लांटेशन करेंगे, पेड़ों का पेड़ लगाएंगे, ऐसा दोनों ने डिसाइड किया था। हर जर्नी टू बिकम सालुमरादा थी मक्का। अब सालुमरादा थी मक्का जो है वह सालुमरादा थी मक्का कैसे बनी, तो इनकी यात्रा का वर्णन यहाँ से बताया गया है। थीमक्का एंड हर हस्बैंड डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज अलोंग द रोड साइड एंड दे सिलेक्टेड द रोड टू द नेक्स्ट विलेज। थीमक्का जो थी वह अपने हस्बैंड के साथ में पेड़ लगाना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने क्या किया था, रोड के बाजू की जगह को उन्होंने डिसाइड किया था, नेक्स्ट विलेज, अपने गांव से आगे के ओर। कुदूर टू फुलफिल हर प्लान्स। और उन्होंने कुदूर जो विलेज है वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया। दिस पर्टिकुलर रोड वॉज वन दैट डिड नॉट हैव अ सिंगल ट्री एंड कॉज्ड इमेंस हार्डशिप टू ट्रेवलर्स ऑन द ड्राई हॉट डेज। तो वाई दे डिसाइडेड टू प्लांटेशन ऑन द कुदूर, बिकॉज देयर वॉज नो ट्रीज वहाँ पे, क्योंकि कोई ट्रीज नहीं थे कुदूर में, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम कुदूर से ही प्लांटेशन करेंगे, क्योंकि जो ट्रैवलर्स यानी होता है राहगीर, आने जाने वाले जो मुसाफिर या यात्री होते हैं उनको गर्मी के दिनों में कठिनाई सामना करना पड़ता है, तो वे वहाँ पे वृक्षारोपण करेंगे ताकि ट्रैवलर्स को वहाँ पे रेस्ट मिल सके। दे स्टार्टेड ग्राफ्टिंग सैपलिंग फ्रॉम फिकस बनियान ट्रीज एज देयर प्लेंटी ऑफ ट्रीज नियर हर विलेज। और इसके लिए उन्होंने
उसका ग्राफ्टिंग किया। ग्राफ्टिंग मीन्स क्या होता है, जैसे कलम करके लगाना, जैसे हम गुलाब का पौधा रहता है, गुलाब के पौधे की क्या करते हैं, कलम करते हैं, कलम करके फिर उसको हम लगाते हैं, वैसे ही उन्होंने एक प्लांट्स लगाया बनियान ट्रीज का, और उसके बाद उसकी सैपलिंग्स यानी उसकी कलम कर करके लगाना, एंड फिकस यानी भी बनियान ट्रीज होता है, उन्होंने एक ही पेड़ की फिर उसकी कलम कर करके प्लांट्स को लगाना चालू किया। दे ग्राफ्टेड 10 सैपलिंग्स इन द फर्स्ट ईयर एंड दे प्लांटेड देम अलोंग अ स्ट्रेच ऑफ 4 किलोमीटर्स ऑन द रोड दैट दे लीड टू कुदूर। और उन्होंने पहले वर्ष में फर्स्ट ईयर यानी पहले साल उन्होंने 4 किलोमीटर तक की दूरी पर उन्होंने प्लांटेशन किया, एंड के फर्स्ट ईयर उन्होंने दैट फर्स्ट साल उन्होंने 10 पेड़ लगाए, एंड दे इंक्रीज द नंबर टू 15 इन द नेक्स्ट ईयर। और इसके बाद वे प्लांट की संख्या जो थी वह निश्चित तौर पे बढ़ाते गए, नेक्स्ट ईयर उन्होंने 15 प्लांट्स किया। दे कंटिन्यूड विद देयर एफर्ट्स एंड इंक्रीज अ नंबर ऑफ सैपलिंग्स विद ईच पासिंग ईयर। और इस तरह से दोनों ने प्रयास किया कि हम प्रतिवर्ष यह जो पेड़ है इसकी संख्या हम बढ़ाते जाएंगे। तो बच्चों आज मैं यहीं पे स्टॉप होती हूँ, नेक्स्ट आपका अगले वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।